जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने सबने हमारे लोगों को दर्शन दिया और उनके पीछे लोग चले। ये शुरुआत ईसा मसीह ने की थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हें राजपाट दूंगा, किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज। उसके बाद मोहम्मद साहब ने कयामत का दिन की बात की थी और किंगडम ऑफ गॉड की बात उन्होंने भी की। उसके बाद बसवा ने भी राजपाट की बात की। उसके बाद की थी बात कबीरदास जी ने, प्रेम नगर साई की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जगना ही अपना, जगना ही अपना बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, पट्टा टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पट्टा टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े जाए, मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, साई की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। इनको रविदास जी बोलते बेगमपुरा, द किंग सिटी विदाउट स्टार। और सिटी विदाउट स्टारों का जब ये करते हैं तो वो कहते हैं कि जहां सब, जहां जात पात नहीं रहेगी, जहां सबको बराबर हक मिलेगा और किसी को भीख नहीं मांगना पड़ेगा, सब देने वाले बनेंगे, इस तरह का राज का सपना लेकर उनके पीछे लोग चल दिए। उसके बाद हमारे बाबा साहब आए, इसके पहले महात्मा फुले जी ने बलिराज की स्थापना की बात की थी, बलि का राज। आज जो भारत देश की समस्या है, वो देश की समस्या है, इसकी उसका जवाब रविदास जी के बैगमपुरा में मिल सकता है। हमारा आदर्श ही गलत है। गांधी ने रामराज की बात की थी और रामराज के अंदर में महिला का अन्याय, ओबीसी को कोई शंभू की हत्या और हर प्रकार से लगभग अन्यायपूर्ण राज को उन्होंने रामराज कहा, और उसके लिए उसका जोड़ा उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, और तब से लेके हम परेशानी में 70 साल हो गए, लेकिन रामराज जो पूरा आया देख रहे हैं कि आरक्षण जा रहा है, हर प्रकार से अन्यायपूर्ण पॉलिसी तैयार हो रही है, छोटा किसान मर रहा है, छोटे बिजनेस वाले मर रहे हैं, हमारे दलित दिक्कत वाले लोग बोलेंगे इस बात के ऊपर, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दर्शन झूठा है, रामराज का दर्शन झूठा है, और प्रबुद्ध भारत का दर्शन जो बाबा साहब का है, जो महात्मा फुले का जो दर्शन है, बलिराज का, वो दर्शन सच्चा है। और वो जब तक इस देश की जो स्टोरी बदलेगी नहीं, तब तक हमको इसे धक्के खाने पड़ेंगे। इस स्टोरी बदलने के लिए बाबा साहब ने दिखाया था, ये देश को प्रबुद्ध बनना है तो क्या करना है, उसने बोला था नामांतर करो, उसने बोला था स्थानांतर करो, उन्होंने बोला था वेशांतर करो, अपने वेश बदलो, और फिर बोले धर्मांतर करो, स्थानांतर करो, कर्मांतर करो, धंधे छोड़ो। लेकिन हो रहा क्या है कि ये नया मनुवाद फिर नए रीति से हर तरफ से इनको, जिस तरह से पहले जाति में व्यवस्था बंद थी उसी तरह से वो करना चाहता है, लेकिन हम ये कैसा करेंगे? बेगमपुरा क्या चीज है? हमारा सामाजिक आंदोलन तो बहुत है, भाई साहब ने बताया सामाजिक आर्थिक, लेकिन यहां उन्होंने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं बताया, देश कल्चर से चलता है, और इस देश में जो कल्चर है वो मनवादी ब्राह्मणवादी है, पाउचियों वाला के कल्चर है, ये पाउचियों वाले कल्चर से जो तुम पांव रखते हो तो बलिराजा के ऊपर जैसी लात रखी थी ना बामन ने, वैसी लात हम पर रखी जा रही बार बार, हमको पायदान बनाया जा रहा है। इसलिए हमारे जो लोग जिन्होंने हमको ये सपना अपने समय में दिया, हमारे समाज के लोग जो रविदास को, जो महात्मा फुले को, जो अम्बेडकर जी को मानते थे, वो शैलेंद्र जी क्या बोलते?